वहाँ पर दो अजगर थे, काफी ज्यादा बड़े अजगर। वो बहुत बड़े अजगर थे। ओ बेन, वो तैर रहा है। संभल के। एक बार के लिए तो लगा कि वो बेन के चेहरे पर हमला कर देगा। आप पागल हो गए क्या? उस ड्रम में जो भी था वो तो नहीं था जो वो सोच रहे थे। वो इंसान अपना हाथ गवा सकता था। मेरा नाम है बेन। और मैं हूँ लुईस। हम प्रोफेशन से वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स हैं, पर हमारा पैशन है सांपों को बचाना। हम गोवा में रहते हैं और यहाँ बहुत जंगली जानवर होते हैं। सांप और इंसान का आमना सामना अक्सर हो जाया करता है, और हम चाहते हैं कि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। हाय बेनियल, गुड मॉर्निंग। हाय जूलियो। हाँ बेन, मुझे अभी अभी एक कॉल आई है नावेली से। वो बोल रहे हैं कि वहाँ कुएं में दो अजगर हैं। ठीक है, मैं उनसे कह देता हूँ कि तुम्हारे फोन पर लोकेशन भेजेंगे और तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ये ठीक रहेगा? मैं जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। तो मुझे मेरे टीम मेंबर का फोन आया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जिनके साथ मैं हमेशा काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि कुएं में दो अजगर हैं, बहुत बड़े अजगर। जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक कुएं के पास ले जाया गया। वो एक बहुत बड़ा कुआं था और उसके अंदर थे दो इंडियन रॉक पाइथन। उसमें गिर गए थे। वो अजगर सच में बहुत ज्यादा बड़े थे और अपने वजन की वजह से उनका कुएं की दीवार पर चढ़कर वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था। पिछले दो साल से कोविड की वजह से हमने ये कुआं साफ नहीं किया। अच्छा? था तो कल शाम जब मैं इस कुएं को साफ कर रहा था तो अच्छा? मैंने इस पाइथन को यहाँ देखा। अच्छा? मैं अपना रिगिंग सिस्टम ले आता हूँ। इन दोनों में से जो बड़ा है वो थोड़ा कमजोर लग रहा है, वो कुएं के किनारे पर बैठा हुआ है, जबकि छोटा वाला पाइथन जो कि हेल्दी लग रहा है, बड़े आराम से घूम रहा है, पानी में तैर भी रहा है। शायद मुझे अपने स्नॉर्कल इस्तेमाल करने पड़े और पानी में जाना पड़े, क्योंकि ये ऊपर आते हैं, हवा में सांस लेकर पानी में वापस चले जाते हैं, फिर 15-20 मिनट आराम से रह सकते हैं। तो मैं विंच की मदद से नीचे जाऊंगा और पहले अजगर को लेकर ऊपर आऊंगा और उसे लुईस को दे दूंगा, और फिर दोबारा नीचे जाऊंगा दूसरे अजगर के लिए। उम्मीद है मुझे पानी में ना उतरना पड़े, तो मैं इसे स्टैंड बाय पर रख रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं नीचे मंगा लूंगा। इंडियन रॉक पाइथन बेहतरीन तैराक होते हैं। जहाँ ज्यादातर सांपों का एक बड़ा फेफड़ा होता है, अजगर के दो फेफड़े होते हैं। एक ऐसी खासियत जो इनको पानी में लंबे समय तक रहने में मदद करती है। इसके हीट सेंसिंग पिट्स और पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाते हैं। तो हुआ ये है कि उन्होंने पानी में कुछ ज्यादा ही स्विमिंग कर ली है, तो अब इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए ताकि ये सांस ले सके। तो यहाँ दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है जिस पर ये दोनों बैठे हुए हैं, थोड़ी सांस लेने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए। नीचे करो, नीचे करो। नीचे रुको। बेन, तुम ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। दोनों अजगर एक साथ हैं? मैं पहले एक अजगर को पकड़ूंगा, बड़े वाले की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं कुएं में नीचे गया और पहले बड़े वाले को पकड़ा। बड़े वाले अजगर को पकड़ना आसान था,
तो मैं नीचे गया और मैंने धीरे से उसे पकड़ा। मैंने उसके सर को नहीं पकड़ा क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। तो जैसे ही सांप मेरे हाथों में आया, मैंने उसे अपने हाथों और पैरों से सपोर्ट किया और मैंने लुईस को कहा कि मुझे ऊपर खींचे। ऊपर खींचो। अजगर ने कोई दिक्कत नहीं की, लग रहा था जैसे वो खुद बाहर आना चाहता है। बेन ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और जो चीज मैंने नोटिस की, उन्होंने उसके सर को नहीं पकड़ा था। और ये देखकर मैं डर गई क्योंकि मुझे लगा कहीं अजगर बेन के फेस पर हमला न कर दे। पर हैरानी की बात ये थी कि आसपास इतने सारे लोगों के होने के बावजूद अजगर डरा हुआ बिल्कुल नहीं था। वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा था। लुईस, ये लो इसे पकड़ो। हाँ, और ये टेल, जूलियो उसकी मदद करो बैग में डालने में। उधर जाओ। तो मैं ऊपर पहुंचा और मैंने अजगर को लुईस को दिया और रेस्क्यू टीम से लुईस की मदद करने को कहा और जल्दी से उसे बैग में डालने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। ये बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस्क्यू। तो बेन ने मुझे पहला अजगर दिया है जो बहुत बड़ा है, पर दूसरा शायद इससे भी बड़ा है। तो बेन वापस नीचे जा रहे हैं उसे ऊपर लाने के लिए। देखो बेन, वो तैर रहा है। नीचे करो। रुको। तो मैं नीचे गया और मैंने मुड़कर देखा तो दूसरा अजगर वहां नहीं था। मैंने ऊपर पूछा कि वो दिख रहा है क्या, कहां गया? तो उन्होंने कहा कि वो नीचे चला गया। बेन, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। हाँ? मुझे और नीचे करो। अब ठीक है? हाँ। बेन, वो नीचे पानी में जा रहा है, तुम्हें भी नीचे जाना है। हाँ, शायद मुझे स्नॉर्कल देना। बेन, तुम्हें इसे कैच करना होगा। हाँ, वरना ये डूब जाएगा। फेंक रही हूँ। हाँ। थोड़ा और नीचे। बेन ने तब फैसला किया कि वो नीचे जाएंगे पानी में और अजगर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद विंच पर वापस आ जाएंगे। सब ठीक है? पर ये बहुत मुश्किल था, एक हाथ से सांप को पकड़ना, एक हाथ से खुद को विंच पर हुक करना। उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया पर बात नहीं बनी और फिर उन्होंने अपने तरीके को बदलने का फैसला किया। लुईस, मैं पहले विंच को लगाऊंगा। ठीक है। और जब मैं बोलूं तभी मुझे ऊपर खींचना। ठीक है। बेन का अगला प्लान था कि वो खुद को पहले विंच से बांध लेंगे और सिक्योर हो जाएंगे और फिर पानी में जाएंगे और उसके बाद उस अजगर को पकड़ लेंगे। तो मैं धीरे से नीचे गया और मैंने उसे अपने हाथों में पकड़ा। मैंने उसे सहलाना शुरू किया और धीरे से सरफेस पे आ गया। मैं उस वक्त विंच से भी कनेक्टेड था तो विंच आराम से मुझे ऊपर उठा सकती थी और तभी मैंने लुईस को ऊपर खींचने को कहा। तुम ठीक हो? उसे अपनी गर्दन पर लिपटने मत देना, ठीक है? हाँ। तो उसने वैसा ही किया, उसने आराम से मुझे ऊपर खींचा। मैं ऊपर जा ही रहा था कि अचानक अजगर मेरे हाथों से फिसल गया। नीचे करो। ये वाला कनेक्टर ढीला है, प्रेस करो। ऊपर तो हो रहा है। नीचे नहीं हो रहा, नहीं। जब मैं बेन को नीचे भेज रही थी दूसरी बार दूसरे अजगर के रेस्क्यू के लिए, कंट्रोल्स खराब हो गए। तो जो विंच था वो बस ऊपर हो रहा था, वो मुझे नीचे नहीं भेज पा रहा था। सुनो, तो उसे हटा दो, दोबारा लगाओ। क्या तुम ऊपर आकर सिस्टम ठीक करके दोबारा नहीं जा सकते? हाँ। मैं ऊपर खींच रही हूँ। हाँ।
क्योंकि बारिश का मौसम है तो शायद कनेक्टर में पानी चला गया है। तो प्लान बी ये है कि अगर ये नहीं कर पाएगा तो मैं खुद ही कुएं में चला जाऊंगा, और कोई रास्ता है नहीं। मेरा मतलब अजगर ज्यादा गुस्सैल नहीं है, मैंने पकड़ा था उसे, काफी शांत है, पहली बार तो हाथ से फिसल गया था। अच्छा तो तुम विंच से खुद को बांधे रखोगे और सीढ़ियों के इस्तेमाल से नीचे जाओगे। तो मैंने उस सिस्टम को बंद करने का फैसला किया। मैंने कहा कि सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, और शुक्र है कि सीढ़ी मैंने पहले से लगा ली थी वहां पर, जिससे मेरा काफी टाइम बच गया। तो मैंने लुईस को कहा कि वो क्लच को लगा सकती है और विंच को रेडी पोजीशन में रख सकती है, और जैसे ही मैं अजगर को पकड़ूंगा मुझे ऊपर उठा ले। तो अब मुझे दूसरे अजगर को दूसरी बार रेस्क्यू करना था। खुशकिस्मती से सांप इस बार दीवार के कोने में था, वो पानी में नहीं गया था, वो दीवार में बनी दरार में छुप गया था, एकदम कोने में। लुईस तैयार हो तुम? हाँ। जैसे ही मैं बोलूं ऊपर उठाना तो ऊपर उठाना। ठीक है। ओके? ठीक है। पकड़ लिया। तो मैंने उसके सर को पकड़ा, उसने मेरे हाथ से लिपटना शुरू कर दिया। जैसे कि उम्मीद थी सांप ऐसा करते हैं, अगर मैं उसके सर को पकड़ता हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो इतना बड़ा अजगर मेरे हाथ को नुकसान पहुंचा सकता था, पर अजगर की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए इस केस में मैंने नोटिस किया कि वो काफी शांत था, सुस्त था, काफी थका हुआ लग रहा था, शायद ज्यादा तैर लिया था। सर पकड़ लिया। जैसे ही बेन ऊपर आए मैंने अजगर के सर को पकड़ लिया, और जैसे ही मैंने उसे पकड़ा मुझे महसूस हुआ कि ये वाला अजगर पहले वाले अजगर से ज्यादा ताकतवर है। तो मैंने उसके सर को पकड़ लिया था, फिर मैंने देखा कि उसने मुझे लपेटना शुरू कर दिया है। मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही थी, मुझे लगा जैसे मेरा ब्लड फ्लो रुक गया हो। लुईस पहले पूंछ को अंदर डालो, पूंछ को डालो। तो जब लुईस ने उसका सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि पाइथन उसके हाथों पर लिपटना शुरू हो गया और वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, और तभी मैंने उससे कहा कि उसके सर को दूसरे हाथ में पकड़ो और पहला हाथ वहाँ से निकाल लो। ये तो मेरे हाथ को छोड़ ही नहीं रहा। अपने दूसरे हाथ को यूज करो लुईस। ओके, मैं हाथ शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने दूसरे हाथ से उसका सर पकड़ लिया और पहले वाले हाथ को छुड़ा लिया जिस पर वो लिपट रहा था। तो पहले उसने उसकी पूंछ को अंदर डाला और फिर धीरे से सर को डाल दिया। अजगर बैग के अंदर था और सेफ था। कर दिखाया। थैंक यू सो मच। अजगर को पकड़ने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं था। दोनों अजगर हेल्दी हैं, ये मेरे लिए मायने रखता है। वो ठीक हैं पर थोड़ा थके हुए हैं, थोड़ा सनलाइट देंगे और फिर इन्हें जंगल में छोड़ देंगे। मुझे खुशी है कि सांपों को जैसे ही देखा गया हमें बता दिया गया था, और अब ये कुएं से बाहर हैं और जंगल में जाने को तैयार हैं। जिस तरह से वो कुएं की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे देखकर साफ हो गया था कि वो कुएं से बाहर ही आना चाहते थे। तो अब हमारा काम है इन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ना। क्यूट है ना बे? अच्छा वैसे हमने टाइम पर रेस्क्यू कर लिया। हेलो, आपके स्कूल में सांप है? कौन सा स्कूल बताया? ठीक है, आप उस पर नजर रखिए, हम पहुंचते हैं। एक सांप मिला है, जल्दी पहुंचते हैं। तो मुझे एक कॉल आया, एक शख्स ने कहा कि उसे सांप दिखा एक स्कूल में। वो हमेशा हमें कॉल कर देते हैं जब भी कोई सांप दिखता है या रेप्टाइल दिखता है, वो उसे मारते नहीं है। मैंने पहले भी वहां से कई सांप रेस्क्यू किए हैं। ये कोई अजगर या रसल वाइपर हो सकता है जैसा उन्होंने बताया। तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा तो मैंने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड और उस लड़के को देखा जिसने शायद कॉल किया था। आपने कॉल किया था? हाँ, वो वहां पर इस ड्रम के अंदर। हाँ। तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा तो मैंने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड और उस लड़के को देखा जिसने शायद कॉल किया था। आपने कॉल किया था? हाँ, वो वहां पर, पर दिखा इस ड्रम के अंदर। हाँ। तो मैंने ये ड्रम देखा और कहा कि चलो सांप को इन्होंने बंद करके रखा है, उसे रोके रखा है।
उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सांप इधर उधर घूम रहा था क्योंकि ट्रैफिक में मुझे काफी देर हो गई थी। तो मैं यहाँ भागता हुआ आया, ये धीरे धीरे वहाँ रेंग रहा था, फिर ये सीधे रास्ते पर आया और फिर उस तरफ चला गया। आप बता सकते हैं कौन सा सांप था, ये आपको नहीं पता? उसको देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, या तो वो अजगर था या रैट स्नेक। अच्छा। इसलिए मैंने आपको उसके शरीर के पैटर्न के बारे में बताया। वो हिल नहीं रहा था, मुझे लगा कि शायद उसने कुछ खाया हुआ था। हमने उसे ड्रम के अंदर जाने दिया ताकि सब सेफ हो जाए। एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट। तो आपने हाथ से किया या स्टिक से उठाया? नहीं नहीं, वहाँ हमने स्टिक का इस्तेमाल किया, वो वाली मेटल। अच्छा, स्टिक। तो आपने स्टिक का यूज किया, हाथ नहीं लगाया। उन्होंने इसे क्या पकड़ा? पता नहीं। ओ, तभी वो लोग ये ड्रम लेकर आए। वो शख्स ड्रम के पास गया और उसने अपना हाथ ड्रम के अंदर जैसे ही डाला, मैंने देखा बेन ने उसे धक्का दिया। आपको पता है इसमें क्या है? आप पागल हो गए क्या? ये रहा वो सांप। कौन है ये? अभी कुछ भी हो सकता था। वो चूहा खाता है। चूहा खाता है? हाँ। और क्या करता है? आखिरकार मुझे समझ आ गया कि उस ड्रम में जो है वो सांप नहीं है जो वो समझ रहे थे। ये रसल वाइपर है, खतरनाक होता है, आप हाथ लगाएंगे मर जाएंगे। एक बड़ा गुस्सेल रसल वाइपर भारत में पाया जाने वाला जहरीला सांप होता है। इसके एक बाइट से बहुत तेज दर्द होता है और सूजन हो जाती है, जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है और अंत में मौत। अब हाथ डाल रहे हो अंदर? जैसे बेन ने उन्हें धक्का दिया, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सिक्योरिटी गार्ड की जान खतरे में पड़ सकती थी। आपको पहले जानना चाहिए ना कि कौन सा सांप है। आपकी आपका पूरा हाथ चला जाता अगर वो काट लेता तो। पूरा हाथ काटना पड़ता। मैं गुस्से में पागल हो गया था। मैं जानता था कि वो सांप उसे नुकसान पहुंचा सकता था, और अगर ऐसा होता तो उसको सही इलाज नहीं मिलता तो वो इंसान अपना हाथ गवा सकता था। इन सांपों ने एशिया में कई लोगों की जान ली है, और ये कोई हमलावर सांप बिल्कुल नहीं है। ये बस खुद को बचाना चाहते हैं। ये बहुत तेज रेंग नहीं सकते, बस ये कुंडली मारकर बैठते हैं और बहुत जोर से हिस करते हैं। इनके हिस की आवाज बहुत तेज होती है और ये बताना चाहते हैं कि हमसे दूर रहो। अगर आप ये वार्निंग नजरअंदाज कर दें और इनके पास जाते हैं, जानते हुए या अनजाने में, ये सांप खुद का बचाव करने के लिए आप पर हमला कर देंगे। ये आपसे लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब काटेंगे तो बहुत बुरा काटेंगे। लुईस, यहाँ पर आओ, वो बैग मुझे दो। ठीक है, तो तुम वहाँ चली जाओ दीवार के कोने में, वो जगह ठीक रहेगी। उस सिक्योरिटी गार्ड को समझाने के बाद बेन उस सांप को बैग में डालना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सांप के नजदीक आए और उसकी जान को खतरा हो। मैं बैग को इस तरफ रख रही हूँ। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ वहीं छोड़ दो। ठीक है। हाँ, तुम उसे दीवार के किनारे के पास रखना। हाँ। क्योंकि ये सांप नर्वस है, मिस कर रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसे टेल से नहीं पकड़ूंगा, मैं नहीं हैंडल करूंगा। मैं आसानी से कर सकता हूं, पर रिस्क नहीं लेना चाहता। इस सांप के फैंग से दूर रहना हमेशा बेहतर होता है। इसके लंबे नुकीले फैंग होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये रसल वाइपर अडल्ट ही नहीं है, बल्कि अडल्ट होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। तब वो सांप बहुत ही उलझन में था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे छुपने की कोई जगह नहीं दिख रही थी। तो वो दूसरी तरफ बढ़ने लगा और उसने मेरे स्टिक पर एक दो बार हमला भी किया, और फिर वो धीमा हो गया, थोड़ा शांत हो गया। तो ये बहुत तेज हमला करते हैं, ये रेंगते बहुत धीमा है पर हमला बहुत तेज करते हैं। हाँ, ये बैग में जा रहा है। हाँ, पर बैग हवा की वजह से हिल रहा है, तुम हिलो मत, सब ठीक है। बढ़िया, वो जा रहा है। हाँ, बस वो कोने में है, बैग में चला गया। बढ़िया, ठीक है। घुमाओ इसे। हो गया। परफेक्ट। तो मैंने लुईस को एक बास्केट लाने को कहा है, ताकि मैं इस बैग को बास्केट में सेफ रख सकूं। रसल वाइपर के फैंग्स बहुत लंबे होते हैं,
और अगर इसे डराया जाए तो ये हिस करते हैं जैसा कि अभी कर रहा है। ये अपने फैंग से बैग के अंदर से भी आपको काट सकते हैं और जहर फेंक सकते हैं। तो हमेशा ऐसे जहरीले सांपों को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए, खासकर रसल वाइपर को। हमेशा सांप को बैग में डालना चाहिए ताकि वो सेफ रहे, और फिर उस बैग को हमें बास्केट में रखना चाहिए। इसको अंदर रख देते हैं, मैं जरा घूम के आता हूँ, थोड़ा लोगों से मिलकर आता हूँ, उन्हें समझा कर आता हूँ, और उस गार्ड को भी बता देता हूँ कि अगली बार सांप दिखे तो क्या करना चाहिए। मुझे अब भी घबराहट हो रही है। जब मैंने इसे देखा मेरी धड़कन ही बढ़ गई। यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने इसे हाथ से पकड़ा। समझ नहीं आता कि बिना किसी एक्सपीरियंस के भी कोई इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है। पर उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना ये जाने कि वो कौन सा सांप है उसे हाथ लगाया। ऐसा करना खतरनाक हो सकता था। आप जानते हैं सांप के काटने से कितने लोग मरते हैं जी। हाँ, तो थोड़ा संभल कर रखना चाहिए। आपने उसे डंडे से डाला अंदर, वो सही है, प्रॉब्लम ही नहीं है। डंडे से डालो, नहीं तो बैरल ऐसे रख दो, उसको जाने दो अंदर। हाथ मत डालो, नुकसान हो सकता है। उस सिक्योरिटी गार्ड की जान आज बाल बाल बची है।